Means session after lunch, so it is quite a bit, not quite, but it is a bit difficult to concentrate. But anyhow, हमारा काम चलना है, हम आगे बढ़ेंगे. So welcome to this session, and this session is about introduction to train sets. सबसे पहले जिस ट्रेन सेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन. आई होप ज्यादातर लोग ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं इसके बारे में. सो दिस ट्रेन सेट इज अ सेमी हाई स्पीड ट्रेन. स्पीड इज अप टू 160 के एम पी एच, टेस्टेड एट 176 के एम पी एच. इट इज कैपेबल ऑफ क्विक एक्सलरेशन. अभी पूरी की पूरी क्विक चाबी घर से एक्सलरेशन इज बना पार्डन इट इज कैपेबल ऑफ क्विक एक्सलरेशन ऑफ 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. And this is achieved by adequate powering, that is roughly 10 megawatt, and 50% of axles are powered axle. Maslan, this is a coach. This is a train of 16 coaches, consist of 64 number of axles. So out of 64 number of axles, 50%, that is 32 numbers of axles are powered axles, and they are fitted with. एक्चुअली दे आर ड्रिवन बाय ट्रैक्शन मोटर्स. जहां तक कि क्विक एक्सेलरेशन की बात है, सो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मेमू और ईएमयूज़? ईएमयू और मेमू हैज एक्सेलरेशन ऑफ अबाउट 0.4 और 0.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेयर एज दिस इज कैपेबल ऑफ क्विक एक्सेलरेशन ऑफ अबाउट 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट हैज लो एक्सल लोड. अब एडिक्वेट पावरिंग की बात अगर करें, या 50% एक्सल की बात अगर करें, पावरिंग की बात अगर करें, तो ईएमयू है मेमू. ईएमयू आपका 33% एक्सल्स आर पावर्ड, वेयर एज इन मेन लाइन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट मेमू हैज 25% ऑफ पावरिंग, बट हियर इट इज 50% पावरिंग. इट हैज लो एक्सल लोड. लो एक्सल लोड मीन्स इट इज डिजाइन फॉर 17 टन एक्सल लोड, वेयर एज इसका टेयर एक्सल लोड इज मैक्सिमम 14.4 टन, एंड इट इज पार्ट ऑफ द प्रेस्टिजियस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट. एज फार एज एग्जीक्यूशन इज कंसर्न, टेक्नोलॉजी पार्टनर एंड सिस्टम इंटीग्रेटर इज मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड. आप सभी को पता है. टू रेक्स ऑलरेडी डिजाइन, मैन्युफैक्चर्ड एंड रिलीज फॉर सर्विस इन 2018. दोज आर कॉल्ड ट्रेन 18, और आज के डेट में यह वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में न्यू दिल्ली वाराणसी एंड न्यू दिल्ली कटरा इट इज ऑलरेडी इन सर्विस. प्रेजेंट ऑर्डर ऑन मेधा सर्वो ड्राइव्स लिमिटेड फॉर 44 नंबर्स, एंड आउट ऑफ 44 टू नंबर्स ऑलरेडी सप्लाइड. सो फॉर रिमेनिंग 42 नंबर्स, 22 वुड बी मैन्युफैक्चर्ड बाय आईसीएफ, 10 बाय एमसीएफ रायबरेली, एंड 10 बाय RCF कपूरथला. एज फार एज स्पेसिफिकेशन इज कंसर्न, RDSO PE स्पेक EMU 0196 2019 रिवीजन 0, या RDSO का स्पेसिफिकेशन है, मतलब अब जो भी बनेंगी वो किस स्पेसिफिकेशन पर बनेंगी. एंड आई हैव टेकन दिस RDSO स्पेसिफिकेशन फ्रॉम PIB, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो प्रेस रिलीज करती है ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दैट वॉज रिलीज इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2019. तो 2019 दिसंबर में जो उन्होंने PIB रिलीज किया, उसमें से इस सर्टिफिकेशन को मैंने इस स्पेसिफिकेशन को हमने वहां से नोट किया. टेंडरिंग अंडर प्रोसेस फॉर 58 नंबर ऑफ रेक्स, वेयर इंडियन एज वेल एज मल्टीनेशनल्स आर ऑलरेडी पार्टिसिपेटिंग. 400 एज अनाउंस्ड इन आवर जनरल बजट 2022-23, 400 नंबर्स ऑफ ट्रेन सेट्स आर प्लान्ड इन नेक्स्ट 3 इयर्स. सो ये 400 नंबर्स जो है ये अगले 3 साल में आने वाले हैं, एंड दिस इज रियली मैटर ऑफ कंसर्न. इसको भी इसको कह सकते हैं मैटर ऑफ चैलेंज भी इसे ले सकते हैं, कि अब ये आ जाएंगे तो इसको मेंटेन करने का काम, ऑपरेशन करने का काम, वो जो है जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको करना होगा. तो ये एक
अपने आप में यह एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि 400 नंबर्स ऑफ ट्रेन सेट्स, दिस इज नॉट ओनली चैलेंज फॉर मैन्युफैक्चरर बट इट इज ऑल्सो चैलेंज फॉर द मेंटेनर्स। नाउ वी मूव टू द आवर कंटेंट। कंटेंट मतलब इस सेशन का कंटेंट। तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ ट्रेन सेट्स, वेरियस सिस्टम ऑफ ट्रेन सेट्स। तो इसमें हम बेसिकली ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, इसके सिस्टम्स को डिटेल में जो आगे आने वाले कल या परसों जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें उसको डिटेल्स में बताया जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डीपीआरएस। अदर डीपीआरएस मीन्स जो हमारे ईएमयू मेमू जो हमारी सर्विस में चल रहे हैं, या फिर एंड प्रपोज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मेंटेनेंस। तो अब तो हम ये मान करके चलते हैं कि आपको प्रीवियस सेशन में जो ओवरव्यू ऑफ ट्रेन सेट था उसमें ऑलरेडी आप लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इवोल्यूशन और व्हाई ट्रेन सेट्स आर रिक्वायर्ड उसके बारे में ऑलरेडी आपसे बातें हो चुकी होंगी और आप ऑलरेडी उसके बारे में अवेयर हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू ऑफ ट्रेन सेट्स। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ ट्रेन सेट्स में हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन, लेआउट, सीटिंग कैपेसिटी एंड ऑपरेटिंग पैरामीटर्स। कंपोजिशन, इट इज 16 कार डबल हेडेड ट्रेन सेट। डबल हेडेड मीन्स आइदर एंड में ड्राइविंग ट्रेलर कार है। एक कोच की लेंथ इज अबाउट 24 मीटर्स, सो टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेन इज अबाउट 384 मीटर्स। आउट ऑफ 16 कार, 8 आर मोटर कार्स, 4 आर ट्रेलर कार्स, 2 आर नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कार एंड 2 आर ड्राइविंग ट्रेलर कार। जैसा कि इट इज डबल हेडेड, तो ये जो दो ड्राइविंग ट्रेलर कार हैं, दीज आर डिप्लॉयड एट एक्सट्रीम एंड, जिससे कि ट्रेन सेट को ड्राइव किया जाएगा। सो इट इज फिटेड विथ ड्राइवर्स कंट्रोल डेस्क। ऑल कोचेज आर चेयर कार। आउट ऑफ 16 कोचेज, 2 कोचेज आर एग्जीक्यूटिव क्लास, सो द रिमेनिंग 14 कार्स आर ऑफ एसी चेयर कार और सेकेंड क्लास एसी चेयर कार। एज फार एज कंपोजिशन इज कंसर्न, बिकॉज दीज 16 कोचेज कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल ग्रुप ऑफ 8 कोचेज एंड 8 कोचेज कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिक यूनिट्स। द एक्सट्रीम बेसिक यूनिट्स आर कॉल्ड एंड बेसिक यूनिट। एंड बेसिक यूनिट कंसिस्ट ऑफ 4 कोचेस। सिमिलरली मिडिल बेसिक यूनिट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 कोचेस। एंड बेसिक यूनिट इट इज हेडेड बाय डीटीसी, दैट इज ड्राइविंग ट्रेलर कार, फॉलोड बाय मोटर कोच, फॉलोड बाय ट्रेलर कार, फॉलोड बाय मोटर कार। वेयर एज मिडिल बेसिक यूनिट कंसिस्ट ऑफ एनडीटीसी, दैट इज नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कार, फॉलोड बाय मोटर कार, फॉलोड बाय ट्रेलर कार, फॉलोड बाय मोटर कार। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर अराइज करेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड एनडीटीसी। बिकॉज मोटर कोच आप सभी जानते हैं कि इसके मोटर कोच का मतलब ही है ईच एंड एवरी व्हील आर ड्रिवन बाय ट्रैक्शन यूनिट्स, दैट्स व्हाई दिस इज मोटर कार। तो एंड बेसिक यूनिट या मिडिल बेसिक यूनिट, एवरी बेसिक यूनिट ऑफ 4 कोचेस कंसिस्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑफ मोटर कार। इट मींस एवरी 4 कोच देयर आर 2 मोटर कार्स। इट मींस जो बात की गई थी 50% एक्सल्स आर पावर्ड एक्सल्स, तो वो यहां पर इट इज क्लियर, बिकॉज एवरी यूनिट ऑफ 4 कोच कंसिस्ट ऑफ 2 मोटर कार, सो देयर इज अल्टरनेट मोटर कार। सो इट इज क्लियर। डीटीसी, इट हैज ड्राइविंग कैब बट देयर इज नो पावर्ड एक्सल, सो दैट्स व्हाई इट इज ट्रेलिंग कार बट इट हैज ड्राइविंग कैब कंट्रोल स्टैंड। ट्रेलर कार, नो इट्स व्हील्स आर नॉट पावर्ड बाय ट्रैक्शन मोटर। सिमिलरली एनडीटीसी ये ट्रेलर कार है, बिकॉज इसके जो व्हील्स हैं दीज आर नॉट ड्रिवन बाय
ट्रैक्शन मोटर। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होगा, ये एनडीटीसी और टीसी के बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी ट्रेलर कार है, ये भी ट्रेलर कार है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसके बारे में बात करते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होगा। अब कंपोजिशन के बारे में ऑलरेडी आप लोग जान गए हैं, डीटीसी मोटर कोच, ट्रेलर कार मोटर कोच। अनलाइक आवर ईएमयू और मेमू, जहां पर कि आपके जितने भी ट्रैक्शन इक्विपमेंट होते हैं वो सारे के सारे कहां पर माउंट होते हैं, आपके मोटर कोच में माउंट होते हैं, चाहे वो पेंटोग्राफ हो, ट्रांसफॉर्मर हो, ट्रैक्शन मोटर हो, या जितनी भी तरह की चीजें हो, सारी की सारी माउंटेड ऑन मोटर कार ओनली। सो एज अ रिजल्ट द मोटर कार, द वेट ऑफ मोटर कार इन ईएमयू और मेमू इज अबाउट 60 टन टेयर वेट, वेयर एज दैट ऑफ ट्रेलर कार इन ईएमयू और मेमू इज अबाउट 32 टन। तो इस चीज को, एक यूनिफॉर्म वेट को अचीव करने के लिए, यूनिफॉर्म वेट, अब बिल्कुल यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकता है, कुछ हद तक यूनिफॉर्म, कि इसकी जो वेट टू वेट का जो वेरिएशन है कोच टू कोच, दिस यह एक लिमिट में रहे, उसके लिए इसमें क्या किया गया है, इक्विपमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कोचेस टू अचीव यूनिफॉर्म वेट ऑफ ईच कोच। अब बिल्कुल यूनिफॉर्म तो नहीं हुआ, बट कुछ हद तक, क्योंकि इसमें जो लाइटेस्ट कोच है इट इज 49.36 टन एंड द हेवीएस्ट वन ऑब्वियसली इट इज मोटर कार दैट इज 57.61 टन। तो जहां पर आपको ईएमयू या मेमू में 60 से 32 के बीच का वेरिएशन था, यहां पर वह वेरिएशन 57.6 टन से लेकर 49.36 टन तक है। तो जिसके चलते जो हमारा ईएमयू या मेमू में क्या है कि आपके जो बॉगीज होते हैं मोटर कार के और ट्रेलर कार के, दोनों ही अलग अलग टाइप के होते हैं, तो यहां पर ये ऑल आर स्टैंडर्डाइज एंड सेम बॉगी। तो अब यहां पर क्या गया, डीटीसी में कौन से कंपोनेंट, एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर जो है ये आपका हेवीएस्ट आइटम है, इट इज अबाउट 5 टन, लगभग 5 टन का इसका वेट होता है। पेंटोग्राफ, तो इसके ट्रांसफॉर्मर, पेंटोग्राफ, ऑक्सिलरी कन्वर्टर, इस तरह के जितने भी इक्विपमेंट थे उसको कहां पर डिप्लॉय किया गया, आपके ट्रेलर कार के ऊपर इसको डिप्लॉय कर दिया गया। बहरहाल जो इसके ट्रैक्शन मोटर्स, बिकॉज ट्रैक्शन मोटर हैज टू ड्राइव द व्हील ऑफ मोटर कार, सो ट्रैक्शन मोटर्स आर फिटेड इन द मोटर कार। ट्रैक्शन कन्वर्टर, दिस ट्रैक्शन कन्वर्टर इज फॉर वन पर बोगी, सो दिस इज ऑल्सो केप्ट इन मोटर कोच। बैटरी, बैटरी चार्जर, एयर कंप्रेसर, दीज इक्विपमेंट्स आर फिटेड इन डीटीसी। सो मोटर कार सेम टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स आर डिप्लॉयड। इन ट्रेलर कार इट इज ट्रांसफॉर्मर, ऑक्सिलरी कन्वर्टर, पेंटोग्राफ। इन डीटीसी इट इज बैटरी, बैटरी चार्जर, एयर कंप्रेसर। Now we move to our previous slide. Whatever equipments are mounted in DTC, those equipments are also deployed in NDTC, like battery, battery box, air compressor, all such equipments are kept in NDTC. So by that way, NDTC and TC both are different, and this is the difference between TC and NDTC. So it means out of 4 coach there is 1 trailer car, so out of 4 coach there will be 1 pantograph, there will be 1 compressor, and there will be 8 powered axles. Okay, similarly for each middle basic unit there will be 1 pantograph, 1 transformer, 2 8 powered axle, 1 battery box, and air compressor. So as far as equipment is concerned, both are roughly identical except driving control stand, because driving control stand kahan par hai, wo hamare DTC mein. To yah ek approach tha, this was the approach to achieve uniform weight of each coaches.
दिस इज द कंपोजिशन ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ 16 कोच. अगर सेंटर लाइन में अगर एक लाइन खींच दी जाए तो इट इज ऑलमोस्ट मिरर इमेज. नाउ वी मूव टू लेआउट. लेआउट में हम आते हैं. दिस इज द लेआउट ऑफ डीटीसी ड्राइविंग ट्रेलर कार. दिस इज ट्रेलर कार सो देयर इज नो ट्रैक्शन मोटर हियर. दिस इज ड्राइविंग सो देयर विल बी ड्राइवर कंट्रोल डेस्क. इसके अलावा इसमें जितने भी आपके इक्विपमेंट थे बैटरी बैटरी बॉक्स एयर कंप्रेसर यहां लगे हुए हैं. सीटिंग कैपेसिटी इज ओनली 44. दिस इज इक्विप्ड विथ अ टॉयलेट फॉर डिजेबल फ्रेंडली. डिजेबल फ्रेंडली टॉयलेट है इसमें और इसमें व्हील चेयर वगैरह को पार्क करने की जगह भी है. सीटिंग कैपेसिटी इज 44. दिस इज एसी चेयर कार. दैट इज सेकंड क्लास एसी चेयर कार. अब सेकंड क्लास एसी चेयर कार जो है उसमें क्या है, उसमें जो सीट की जो पिच है द पिच ऑफ द सीट इज अबाउट 940 mm व्हिच इज 940 mm का आपका सीट का पिच है. सो व्हिच इज कंफर्टेबल एज कंपेयर टू द सीट्स ऑफ एयरलाइंस. ये आपका मोटर कोच है. मोटर कोच सो ऑल द ट्रैक्शन मोटर्स आर ड्रिवन बाय ऑल द व्हील्स आर ड्रिवन बाय ट्रैक्शन मोटर. देयर इज अ ट्रैक्शन कन्वर्टर वन फॉर ईच बॉगी. दिस इज ऑल्सो सेकेंड क्लास सीटिंग कैपेसिटी एंड ऑल द प्रोपल्शन इक्विपमेंट्स आर अंडरस्लंग. और अंडरस्लंग बनाने के पीछे क्या रीजन है, जस्ट टू इंक्रीज द सीटिंग कैपेसिटी, नथिंग मोर देन दैट. सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है. दिस इज ट्रेलर कार. सीटिंग कैपेसिटी इज सेम, दैट इज 78 टन. और इसके ऊपर देखना है, दिस इज पेंटोग्राफ ट्रांसफार्मर, वो सारे के सारे इसमें है. एनडीटीसी नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कार, इसमें भी आपको बैटरी बैटरी बॉक्स एयर कंप्रेसर अवेलेबल है. बिकॉज दिस इज ट्रेलर कार सो देयर इज नो ट्रैक्शन मोटर हियर. And this is designated as executive chair car. And the pitch of executive chair car seats is 1140 mm. So it is quite comfortable. This is the seating capacity. In summary, total 1128. Out of 1128, 104 are executive class. The others are second class AC chair car. So seating capacity or overview. ऑपरेटिंग पैरामीटर जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है, इट इज 160 kmph, टेस्ट स्पीड 176 kmph, मैक्सिमम डिजाइन लोड 17 टन, एक्चुअल इट इज 16.5 टन, स्टार्टिंग एक्सेलरेशन 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिसेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 50% पावरिंग आपने देख लिया क्योंकि आउट ऑफ 16 कार देर आर 8 मोटर कार्स. Four car basic unit, you have already seen, end basic unit, middle basic unit, middle basic unit followed by end basic unit. So there are four basic units, one pantograph for each basic units. All propulsion equipments are underslung and these are made underslung. Isko underslung isliye kiya gaya hai, just to increase the seating capacity. Now we move to the various systems. Various systems, that is body, shell, bogey, propulsion system, train control management system, braking system, couplers, safety feature, interior and passenger amenity item. After all, jitne bhi items hain isme, sab ke baare mein details mein aapko bataya jayega in the coming sessions. So in this session, we will just know the overview and properties of these systems. So at first we move to shell. Shell में हम लोग बात करेंगे इसका construction and steps to reduce air resistance. अब air resistance को क्यों reduce करना पड़ रहा है? ये perhaps आपको पिछले session में already बताया गया होगा. Because at lower speed resistance के बारे में आप सभी लोग जानते हैं. जो Davis equation है a plus bb plus cv square, where a is the general resistance.
एंड बी इज द फ्लेंज रेजिस्टेंस एंड सी इज एयर रेजिस्टेंस, इसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया गया होगा। तो एट लोअर स्पीड जनरल रेजिस्टेंस डोमिनेट्स, एट हायर स्पीड एयर रेजिस्टेंस डोमिनेट्स। तो एयर रेजिस्टेंस जो है हायर स्पीड इट प्लेज वेरी क्रूशियल रोल। तो एयर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना इसमें काफी आवश्यक है, और एयर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए एफआरपी नोज कोन, फ्लश्ड डोर, फ्लश्ड डोर मींस जो हमारे कन्वेंशनल हमारे जो डोर होते हैं हमारे कोचेस के, वो थोड़ा आपको अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं और वो सेम प्लेन में नहीं होते हैं। एंड सील्ड गैंगवे, सील्ड गैंगवे बेसिकली वेस्टिब्यूल्ड एरिया इज टोटली सील्ड, सो इट हैज बेसिकली टू और थ्री पर्पस। द फर्स्ट पर्पस इज टू रिड्यूस द एयर रेजिस्टेंस टू अवॉइड द वोल्टेज फ्लो ऑफ एयर at the vestibule portion. The second one is to provide a seamless flow of passenger from one coach to another coach. And the third one, this sealed gangway also acts as the support structure for ST cable, IVC and many other things. So the steps to reduce air resistance, FRP nose cone, flush door and sealed gangways are deployed. As far as construction is concerned, it has tubular or integral structure, जैसा कि LHB coach का होता है. It is more or less very much similar to LHB shell. Almost materials used are also very much similar, like IRSM 41 cotton steel under frame. जैसा LHB shell में होता है, वैसा इसमें भी use होता है, cotton steel with center sill design. Center sill design क्यों है? Because all the underslung equipments needs to be mounted. तो उसको mount करने के लिए इसमें center sill design बनाया गया for to provide a solid structure to hang underslung equipments. Truss floor इसमें हटा दिया गया, there is no truss floor. In place of truss floor, 2 mm thick stainless steel cover sheet is provided instead of truss floor. Side wall, roof and end wall members, the members are of ferritic stainless steel as similar to LHB. Roof seat is of austenitic stainless steel, this is also similar to LHB. Headstock with lowered location of semi-permanent coupler, here coach to coach coupler is semi-permanent coupler, which is similar to Shaku coupler, but it is not Shaku coupler. This is provided by Delner and this is called semi-permanent coupler. Shaku coupler is also semi-permanent coupler, but its height is reduced from our हमारे जो conventional coach होते हैं उसमें आपका height आपका क्या होता है इसका 1105 to 1090, whereas here this is reduced to 940 mm. Why it is reduced? टू अकोमोडेट सील्ड गैंगवेज, और सील्ड गैंगवेज क्यों प्रोवाइड किया गया है ये आप ऑलरेडी जानते हैं, बिकॉज व्हाई सील्ड गैंगवेज आर प्रोवाइडेड। सो इन ऑर्डर टू अकोमोडेट सील्ड गैंगवेज, द लोकेशन ऑफ सेमी परमानेंट कपलर इज लोअर्ड टू 940 mm. एज फार एज बोगी इज कंसर्न, मोटराइज बोगी, नॉन मोटराइज बोगी, अनलाइक आवर EMUs जहां पर आपके मोटराइज बॉगी का अलग डिजाइन होता है, नॉन मोटराइज बॉगी का अलग डिजाइन होता है। हियर मोटराइज और नॉन मोटराइज बॉगी, बोथ बॉगी फ्रेम आर सेम, दैट इज द स्टैंडर्डाइज्ड वन। ट्रैक्शन मोटर अरेंजमेंट, ट्रैक्शन मोटर इज टोटली सस्पेंडिंग फ्रॉम, इट इज बेसिकली सस्पेंडिंग फ्रॉम बॉगी फ्रेम, एंड नो वेट ऑफ ट्रैक्शन मोटर इज गोइंग टू व्हील for axle. Gear train is basically coupling of pinion and bull gear in the motorized bogey. Air spring is used as secondary suspension. A special feature of bogey, it is bolsterless design, why? Just to reduce the weight. Fully suspended traction motor is suspending from बोगी फ्रेम, अनलाइक हमारे EMU, MEMU और लोकोमोटिव। इसमें क्या होता है, हमारे EMU, MEMU और लोकोमोटिव ट्रैक्शन मोटर इज सस्पेंडिंग फ्रॉम
one end on axle and another end on bogie frame. But here the traction motor is suspending from bogie only, from bogie frame only, and no weight is shared by axle. So this was an attempt to reduce the unsprung mass. Disc brake mounted on wheel disc. So we will see in the next slide. Air suspension as secondary suspension, speed potential up to 200 kmph. This is the Fiat bogie vis-a-vis trainset bogie. This is our Fiat bogie, the green one. Wheelbase is 2560, whereas wheelbase is slightly more in trainset bogie. It is 2700 rpm. Here disc brakes are mounted on the axle and brake cylinder hanging from bogie. So we are very much familiar with this. Here, because we have to accommodate traction motor, gearbox, for that purpose the wheel disc is removed from here and wheel disc is fitted on the brake disc is fitted on the wheel disc. ब्रेक डिस्क को व्हील डिस्क के ऊपर फिट कर दिया गया एंड वी कैन सी द ब्रेक कैलिपर हैंगिंग फ्रॉम बॉगी फ्रेम टू कीप व्हील टू व्हील एरिया फ्री फॉर अकोमोडेटिंग दिस ट्रैक्शन मोटर एंड गियर बॉक्स. ये दिस इज द गियर बॉक्स. This is traction motor fully suspending from bogie frame and no weight is shared by wheel sets. There is no bolster. The coach body directly rests on air suspension. Here traction motor is coupled with the pinion with flexible coupling and pinion drives the bull gear. These are the technical parameter. Wheel diameter 952 to 877, that is very much similar to our EMU. Number of traction motor per coach, this is 4. Maximum tractile effort of motor coach is 106 kN. It means for a full train that has 8 numbers of motor coach, it is capable of generating a tractile effort of 848 kN. That is roughly 84 ton का tractive effort ये generate कर रहा है. Maximum power at wheel per motor coach during motoring is 1296, that is roughly 1300 kW. तो इसको अगर हम 8 से multiply करें, because there are 8 numbers of motor coach, so it is roughly 10 MW. Gear ratio is 5.158, that is pinion has 19 teeth whereas bull gear has 98 teeth. So 98 divided by 19 is 5.158. Maximum braking effort is 94 kN. Maximum power at wheels for a motor coach during braking is 1567 kW. तो ये इसके टेक्निकल पैरामीटर हो गए. अब हम लोग आते हैं एडवांटेजेस ऑफ ट्रेन सेट बॉगी ओवर फिएट बॉगी. सो वी हैव ऑलरेडी सीन रिड्यूस्ड वेट ड्यू टू बोल्स्टरलेस डिजाइन, reduced unsprung mass due to fully suspended traction motor. Here traction motor is coupled with pinion with flexible coupling and pinion is geared with bull gear inside gearbox. This gearbox is pretty heavy component. This gearbox is pretty heavy component. It is roughly 480 kg and this gearbox rests on wheel. वो एक तरफ wheel पर mount होता है और इसके अंदर गियर बॉक्स के अंदर पिनियन और बुल गियर ये दोनों को हाउस करता है. नाउ वी मूव टू प्रोपल्शन सिस्टम दैट इज ट्रैक्शन. एज वी नो कि ये पावर कहां से ड्रॉ कर रहा है, 25 kV ओवर ए ट्रैक्शन लाइन है, ये उससे पावर ड्रॉ करता है. पेंटोग्राफ, देर आर हाउ मेनी पेंटोग्राफ्स इन होल 16 कोचेस? 4. Very good.
टोटल फोर पेंटोग्राफ्स हैं। पेंटोग्राफ ड्रॉस पावर फ्रॉम 25 केवी ओवरहेड लाइन, देयर इज सर्किट ब्रेकर फॉलोड बाय देयर इज अ एचटी लाइन, हियर इट इज एचटी लाइन एंड एचटी लाइन बिकॉज आपको यहां पर ऐसा है कि देयर आर फोर पेंटोग्राफ बट एट ए टाइम टू नंबर ऑफ पेंटोग्राफ्स आर इन सर्विस, आइदर वन एंड फोर और टू एंड थ्री, सो देयर हैज टू बी वन एचटी लाइन, हाई टेंशन लाइन एंड इट हाई एंड दिस पेंटोग्राफ इज इन व्हिच कोच, ट्रेलर कोच, ये आपके ट्रेलर कोच में है। तो इसका मतलब हुआ कि एंड ट्रेलर कोच इज व्हिच कोच फ्रॉम द आइदर एंड, इट इज द थर्ड कोच, इट मींस फ्रॉम थर्ड कोच टू 14th कोच रूफ पर एक एचटी लाइन रन करता है, हाई टेंशन लाइन, जिसको पावर कौन फीड कर रहा है, पेंटोग्राफ, एंड दैट एचटी लाइन फॉलोड बाय अ सर्किट ब्रेकर इट फीड्स टू ट्रांसफॉर्मर। तो आई होप इट इज क्लियर, जो एचटी लाइन है इट रन्स फ्रॉम थर्ड कोच दैट इज द मोटर कोच टू सॉरी ट्रेलर कोच टू द लास्ट ट्रेलर कोच दैट इज द 14th कोच, सो थर्ड कोच टू 14th कोच एचटी लाइन रन्स, दैट एचटी लाइन फीड्स टू ट्रांसफॉर्मर। द फिजिकल लोकेशन ऑफ पेंटोग्राफ इज ट्रेलर कोच, फिजिकल लोकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज अगेन ट्रेलर कोच। ट्रांसफॉर्मर हैज 6 सेकेंडरी क्वाइल्स, आउट ऑफ 6 सेकेंडरी क्वाइल्स 4 सेकेंडरी क्वाइल्स फीड टू दिस ब्लैक बॉक्स, दिस इज कॉल्ड लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर, दिस इज कॉल्ड लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर, दिस इज द ब्लैक बॉक्स एंड दिस and this line and traction converter, this consists of AC-DC converter, DC link and AC-DC motor converter. Physical location of this line and traction converter is in motor coach. So from transformer cable will go to motor coach, transformer is in trailer coach. Line and traction converter is in motor coach and this is one per bogie and each line and traction converter feeds to two numbers of three phase induction motor of a particular bogie, ठीक है। तो transformer coil के secondary coil, four numbers of secondary coil that will go to line and traction converter that is in motor coach and finally feed power to motor, this is to the traction motor. Ha kuch boliye mam Meena sir, transformer also feeds to auxiliary converter, auxiliary converter, the physical location of auxiliary converter is in trailer coach only and it has two types of output, one is three phase IC, AC output and DC output. The DC output is meant for battery charger, lighting etc., mobile charging, everything, whereas the three phase AC output is used for all the drives means RMPU का आपको मोटर है उसको चलाना है, एयर कंप्रेसर को चलाना है, ट्रांसफार्मर के कूलिंग के ऑयल को कूल करने के लिए हीट एक्सचेंजर को कूल करने का कोई मोटर है, ब्लोअर है, उसको चलाना है, सो एवरी टाइप ऑफ ड्राइव्स आर रन बाय थ्री फेज एसी आउटपुट, वेयर एज द इल्यूमिनेशन एंड अदर सब्सिडियरी आइटम्स दैट आर रन ऑन, वो आपको डीसी से रन करते हैं, battery charger, everything on DC. So this is the
basically block diagram of traction. Now we move to the various ratings of various equipment, like transformer, 2880 kVA. One transformer feed to four number of two motor coach. One transformer feeds to two number of motor coach. Two motor coach consists of four number of bogies. So there are four numbers of line and traction converter, and the rating of line and traction converter is 554 kVA. One line and traction converter feeds to two numbers of traction motors, and the continuous rating of traction motor is 248 kW. However, short term duration ke liye agar dekha jaye to rating is more, but I am taking only continuous rating. So one transformer feeds to two motor coach, thus equivalent to four number of line and traction converter, and one traction converter feeds to two numbers of traction motor. Auxiliary converter feeds to three phase to drives and 110 volt DC to the auxiliaries. Now we move to the heart of this train set, that is train control and management system, and this is supported by Ethernet backbone for train communication network. It has interface with driver's desk, kyunki driver ke desk par all the operational parameters are visible and driver can take decision based upon that. Pantograph control. Why pantograph control is required? Because at a time out of four pantograph, two pantograph, तो किसको उठाना है, किसको चढ़ाना है, उसके बाद कहां पर स्विच ऑन करना है, न्यूट्रल सेक्शन में स्विच ऑफ करना है, दैट इज पेंटोग्राफ कंट्रोल. वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कंट्रोल. ट्रैक्शन कंट्रोल, इट इज फॉर सिंक्रोनाइज्ड ट्रैक्शन, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया. रीजनरेटिव ब्रेक कंट्रोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द पावर जनरेटेड इन द ट्रैक्शन मोटर ड्यूरिंग ब्रेकिंग, इट हैज टू बी फेड टू ओएसी. सो द फ्रीक्वेंसी एंड फेज, this has to be synchronized with the matlab phase and frequency of the power jisko hum OHE mein feed karne wale hain, this must synchronized with the available power in the OHE. Brake blending, this is the optimization of brake force in combination of electrodynamic and electropneumatic braking. Jaisa ki aap sabhi ko pata hai, electropneumatic braking, it is very much popular in our EMUs or MEMUs, all are equipped with EP brakes, and there is electrodynamic braking also. So the motor coach is subjected to, at the time of braking, the motor coach is subjected to electrodynamic braking as well as electropneumatic braking, whereas the trailer coach, which are non motor coach, they are always subjected to EP brake, क्योंकि उसमें डायनामिक ब्रेकिंग तो हो नहीं सकती है बिकॉज देयर इज नो ट्रैक्शन मोटर. सो दिस इज द वेरी एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ब्रेक ब्लेंडिंग, दिस इज कॉल्ड ब्लेंडेड ब्रेकिंग. व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, जैसा हमारे एलएचबी में होता है वैसा इसमें भी है. इंटरफेस विथ आरएमपीयू कंट्रोल, आरएमपीयू दैट इज एयर कंडीशनर. इंटरफेस विथ डोर कंट्रोल, दैट इज अगर डोर खुला हुआ है तो ट्रेन को जाना नहीं चाहिए. So there is door control. Compressor control, because there are how many compressors in whole brake, because there are two DTC and two NDTC, and each DTC or NDTC has one compressor. So in whole brake there are four air compressors. So out of four air compressors, at any point of time only three will work and one will be standby. So there is for that there must be compressor control. Parking brake control, jaise hamare normal coaches hain usme aapko there is no parking brake other than guard van, but here it is parking brake is available, and this is applied when there is no air pressure. It is spring loaded and it is applied when there is no air pressure.
And this braking system will be discussed in detail in our colleague faculty, Sri Jeevan Pal Singh. वो आपको कल या परसों उनका सेशन होगा, वो उसमें डिटेल में कवर करेंगे. लाइट कंट्रोल, विजिलेंस कंट्रोल, दिस इज टू चेक अलर्टनेस ऑफ क्रू. क्रूज कंट्रोल, इवेंट रिकॉर्डिंग, दिस इज द स्टोरेज ऑफ ऑल द रनिंग डेटा. सो नाउ दिस ट्रेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम इज ओवर. नाउ वी मूव टू ब्रेकिंग सिस्टम. इन आवर ब्रेकिंग सिस्टम देयर इज इलेक्ट्रोडायनामिक ब्रेकिंग, जो हमारे लोकोमोटिव में भी होता है. इलेक्ट्रो न्यूमेटिक ब्रेकिंग, which is already deployed in our EMU and NEMUs. Blended braking. Blended braking is basically combination of these two. Real-time monitoring of braking requirement. This is a very beautiful system. That is a real-time monitoring of braking requirement. अब ये कैसे है, क्या है, इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे. High degree of redundancy. High degree of redundancy means there is separate line of brake pipe also. कि अगर सब कुछ फेल कर जाए तो कम से कम जो हमारा मैकेनिकल ब्रेक है, जो हमारा न्यूमेटिक ब्रेक है, वो तो काम करेगा ही करेगा. दैट विल ऑलवेज वर्क. दैट इज आवर ब्रेक पाइप सिस्टम. दैट इज ऑल्सो देयर. सो देयर इज हाई डिग्री ऑफ रिडंडेंसी. पार्किंग ब्रेक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इलेक्ट्रो न्यूमेटिक ब्रेक इन दिस ब्रेकिंग सिस्टम. इलेक्ट्रो न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम is with the latest generation of electronic platform, and there is separate brake control unit. Ye brake control unit jo hai, this is deployed in every coach. This is called brake control unit. This is deployed in every coach, and this is different for motor coach and non-motor coach, because non-motor coach is always subjected to electro-pneumatic braking, whereas the motor coach is always subjected to blended braking. So this brake control unit is different for motor coach and non-motor coach, and this is deployed in every coach. Blended braking motor car mein hoga, because this is combination of electro-pneumatic and electrodynamic braking. Electro-pneumatic braking in trailing cars, optimum brake cylinder pressure applied by feedback of air pressure in air spring in accordance with load of the coach. Ab iske bare mein ab kya kaha jaye, because the loco pilot, what will he do, he will apply the brake hand, jo aapka मतलब एक ही हैंडल है जो आपको मोटरिंग भी करता है, वही हैंडल आपका ब्रेकिंग भी करता है. तो जैसे वो ब्रेकिंग के तरफ, ब्रेकिंग स्लॉट की तरफ वो हैंडल को मूव करता है टुवर्ड्स ब्रेकिंग, तो उसके प्रोपोर्शनेटली जो ब्रेक कंट्रोल यूनिट है ये एक्टिवेट होता है बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल. और ये ब्रेक कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या करता है, इफ इट इज इलेक्ट्रो न्यूमेटिक ब्रेकिंग, that is for non motor coach, then what will it do, it will sense the air pressure in air spring, because this is real time braking. This is real time braking. ye aisa nahi hai ki agar locomotive mein agar ya fir loco pilot ne agar say full service apply kiya to har jagah 3.8 apply hoga, aisa nahi hoga. Even in electro pneumatic ब्रेकिंग ये क्या करेगा, ये सेंस करेगा, क्योंकि जो हमारा एयर स्प्रिंग है, हाइट ऑफ एयर स्प्रिंग इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोड, बट व्हाट वेरीज इज द एयर प्रेशर इनसाइड द एयर स्प्रिंग. सो इट टेक्स फीडबैक फ्रॉम एयर स्प्रिंग, बिकॉज विथ रेफरेंस टू द लोड ऑफ द कोच. रीजन, बिकॉज जो आपका एम टी कोच होगा इट विल रिक्वायर लेस ब्रेकिंग एफर्ट, जो लोडेड कोच होगा या और हेवियर कोच इट विल रिक्वायर मोर ब्रेकिंग एफर्ट, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है फॉर सेम वेलोसिटी ड्यू टू हायर मास. तो उसके लिए जो ब्रेक कंट्रोल यूनिट है यह आपको प्रेशर, एयर प्रेशर को सेंस करता है एयर स्प्रिंग के, और उसके अकॉर्डिंगली वो मैनिपुलेट करता है कि हाउ मच एयर प्रेशर शुड गो टू
ब्रेक सिलेंडर इन ऑर्डर टू अचीव प्रॉपर ब्रेकिंग, मतलब ना तो इसमें ज्यादा ब्रेक लगना है ना कम ब्रेक लगना है। वेयर एज इन ब्लेंडेड ब्रेकिंग, वहां पर ब्रेक कंट्रोल यूनिट क्या करता है, एट फर्स्ट इट सेंस द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड, बिकॉज इलेक्ट्रो डायनामिक ब्रेकिंग इज डिपेंडेंट ऑन द स्पीड, इट विल सेंस द स्पीड ऑफ द ट्रेन और उसके हिसाब से वो लगाता है कि इतने स्पीड में कितना ब्रेकिंग, कितना इलेक्ट्रो डायनामिक ब्रेकिंग यह अप्लाई करेगा और जो रिमेनिंग ब्रेकिंग एफर्ट है दैट विल बी अचीव्ड बाय इलेक्ट्रो न्यूमेटिक ब्रेकिंग इन मोटर कार। तो इट मींस इनवेरिएबली द ब्रेक सिलेंडर प्रेशर फॉर सेम एप्लीकेशन द ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन मोटर कार will be less vis-a-vis brake cylinder pressure applied in trailer car. Rather, brake cylinder pressure of heavier coach will be more and lighter coach it will be less. But there will be comparison between motor car and trailer car to trailer, not the comparison between motor car and There is redundancy of mechanical and electronic equipment because mechanical equipment में यह है कि there is parallel running of brake pipe pressure because अगर सब कुछ fail हो गया, if everything fails, at least brake pipe, the conventional arrangement that will work. It has wheel slide control जो हमारे LSB कोच में होता है, wheel slide control. There is jerk control also. Jerk control is this comes into action while braking. Jerk क्या है? Jerk is the rate of change of acceleration. And this is limited to 0.7 per second cube. 0.7 meter per second cube. इट मीन्स अगर हमें मैक्सिमम डिसेलरेशन 1 m/s² का लेना है तो ये इसमें एक आपको इनबिल्ट टाइम डिले होगा सो दैट इट विल टेक एटलीस्ट 1.4 सेकेंड सो दैट टू कीप द जर्क विद इन लिमिट. देर इज क्विकर एप्लीकेशन एंड रिलीज. वाई इट इज क्विकर? बिकॉज दिस इज एक्चुएटेड बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड नॉट बाय द ड्रॉप ऑफ प्रेशर, not by the sensing the pressure drop. क्योंकि pressure drop करता है तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है propagation में, so it is actuated by electrical signal. So due to this electrical signal, actuation by electrical signal, the electrical continuity is must. अगर electrical continuity अगर इस train की break होती है तो फिर उस समय सिर्फ mechanical brake ही काम करेगा और बाकी के सारे features out. ऑयल फ्री कंप्रेसर्स 1 number पर DTC और NDTC, सो इक्विवेलेंट टू 4 numbers पर ट्रेन हो जाएंगे ना. आउट ऑफ फोर 3 numbers runs at a time. Compressors. So now brake system is over. अगर हम लोग कपलर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कपलर के व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कपलर? वन इज कूलिंग, वन इज बफिंग एंड टू एब्जॉर्ब द बफिंग एनर्जी जिसके लिए हम ड्राफ्ट गियर अप्लाई करते हैं एंड टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू इच रोलिंग स्टॉक इन लैटरल एंड वर्टिकल डायरेक्शन. तो कपलर जो डीटीसी के फ्रंट एंड में लगा हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ कपलर इज इट? इट इज एच टाइप सीबीसी कपलर एंड एज वी नो एच टाइप सीबीसी हैज एंटी क्लाइंबिंग फीचर बिकॉज इट लॉक्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन ऑल्सो, सो देयर इज एंटी क्लाइंबिंग फीचर. हाउएवर फ्रॉम कोच टू कोच देयर इज सेमी परमानेंट कपलर समवॉट आइडेंटिकल टू साकू कपलर बट नॉट एग्जैक्टली साकू कपलर. It is supplied by Messrs. Dellner.
This is equipped with a draft gear. There is no slack and it is absolutely jerk free. This has also anti-climbing feature. जैसे हमारे साफु कपलर भी हमारा है, वो भी एंटी क्लाइंबिंग फीचर उसमें होता है. फॉर पुलिंग द रेटिंग इज 600 किलोन्यूटन, फॉर बफिंग इट इज 1000 किलोन्यूटन. एंड जैसा आपको देखने में लग रहा होगा कि ये रेटिंग काफी कम है. व्हाई? बिकॉज दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक, सो दिस डज नॉट वारंट फॉर हायर कैपेसिटी ऑफ कपलर्स. सो देयर इज सेविंग है, क्योंकि ये अगर इफ इट इज लोको, अगर आपको ये लोको होल्ड होता एंड द एक्सेलरेशन रिक्वायरमेंट वाज ऑफ टू सच एक्सटेंट लाइक 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन इट वुड हैव रिक्वायर्ड थ्री नंबर्स ऑफ WAP-7 लोकोमोटिव, बिकॉज़ ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ वन WAP-7 लोकोमोटिव इज अबाउट 230 किलोन्यूटन ओनली. सो तो इसको जो है सो कम से कम तीन से, तब उस केस में, इन दैट केस the rating of couplers, must be very high, but because it is a distributed power rolling stock, so here the requirement of capacity of coupler is quite less, so the lower capacity of coupler is being used. Height 940 mm in order to accommodate sealed gangways. Theek hai. Safety feature, anti climbing feature. This is provided by semi-permanent coupler. Fire safety. Actually, the current Vande Bharat, which are already in the service, there is no such fire safety for passenger area. There is only a smoke detection tattoo in AC duct. But here, जो RDSO स्पेसिफिकेशन है, एज पर RDSO स्पेसिफिकेशन, दैट इज टू RDSO 2008, दैट इज द RDSO स्पेसिफिकेशन व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द सेकंड और थर्ड स्लाइड. एज पर दैट स्पेसिफिकेशन, फायर सेफ्टी हैज टू बी प्रोवाइडेड एंड देयर हैज टू बी प्रोवाइडेड फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम विद दिस स्पेसिफिकेशन, RDSO 2008 CG04 रिविजन 5. And what is the ultimate action of this fire detection and alarm system? Is finally application of brake. Train ko khada karna hai. How it will be able to stop the train? So there must be integration with TCMS. One thing I forgot to mention, because these bogies are equipped with air suspension. अब हमारे इस सिस्टम में कहीं पर भी आपको एयर सस्पेंशन होता है, एयर सस्पेंशन डिप्लॉय करते हैं इन सेकेंडरी सस्पेंशन, तो देयर इज फीवा सिस्टम, दैट इज फेल्योर, दैट इज फीवा, फीवा फीवा सिस्टम वो लगाते हैं. फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, फेल्योर इंडिकेशन एंड ब्रेक एप्लीकेशन वो लोग लगाते हैं. बट इसमें फीवा आपका नहीं है, देयर इज नो फीवा, बट देयर इज मोर एडवांस्ड वर्जन ऑफ फीवा, बिकॉज द एयर प्रेशर, because the air pressure of air spring is continuously monitored by the brake system, so it is always possible to apply brake when the brakes in the air pressure goes below a certain level. That is the air pressure in air spring, not BP or IP. So the fire safety, fire detection with alarm system, and I have heard that in fact they are also deploying fire suppression system also in this coach. However, these systems will be discussed in detail by the VL from ICF. वो आपको और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे इसके बारे में कि उन्होंने इसमें fire suppression system के लिए उन्होंने इसमें क्या किया है. Now we move to interiors and passenger amenity item, paneling, seats, sealed gangways, toilets, reading light, air conditioning. As far as interior and passenger amenity is concerned, there is plug doors, totally flushed, FRP interior paneling, partition with electrically operated touch-free sliding door. Touch-free sliding door means in our AC coaches, there is swing door, hinged swing door. और उसको हम क्या करते हैं? Push or pull. But here it is touch-free sliding door. It will sense and it will slide. End wall with electrical inspection door.
continuous window glass design with provision of emergency exit. So this is basically bezel-less design, जो कि बाहर से दिखता है. From outside it is bezel-less. From inside, of course, supports are provided. A special AC ducting arrangement is done below pantograph, because in a trailer car where pantograph is provided, the height of a roof is less. So in order to accommodate the pantograph, the ducting is designed in a special manner to accommodate this pantograph. Corrugated FRP roof to improve aesthetic. Onboard infotainment system, jaisa aircraft or Tejas. Mini pantry. Alarm push button inside the compartment in place of alarm chain. So there is alarm push button, not alarm chain. So if the passenger will push alarm push button, the loco pilot and guard will come to know, and they will stop the train. Talk back unit inside in case of emergency. Inside display system, there is outside display system, Wi-Fi, a special provision for toilet and wheelchair for a person with a disability. This is provided in DTC only, DTC on the extreme end. Diffused LED lighting, reading light inbuilt in luggage racks. Now we come to seats. In executive class, revolving type of seats are there. 180 degrees se revolve kar sakte hain. In chair car, it is a reclining type. Backrest is fixed. Aur jo aapka niche wala hai, wo move karta hai. So that okay, during reclining, jo piche wala passenger hai, that should not feel inconvenience. However, iske complaint bhi bahut hai, wo aage bataya jayega. Sealed gangways, iske baare mein we have already talked about sealed gangways. This is the gangways with exterior and interior fairings, and this is provided to reduce the air resistance, to improve aesthetics from outside, and also to provide path for roof ST cable and IVCs, inter vehicle couplers. Toilets, two numbers per coach. These are all bio vacuum toilet, modular type. Air conditioning, RMPU, capacity of 8 tons, two numbers per coach. Additional AC is provided in driving cab of capacity 2 tons. Now we compare it with EMU or MEMU as well as high speed trains. High acceleration due to 50% powering, we have already discussed. In EMU it is 33% powering, and in MEMU it is 25% powering. Higher speed potential, because it is capable of, its speed is 160 kmph. Better riding, theek hai. If we compare it with high speed trains, iske alawa aapko EMU aur MEMU mein aapko wheel wear is quite high, because there is electro pneumatic braking and there is no modulation of brake cylinder pressure with respect to the load. So there is a brake wear is quite high. If we compare it with the high speed trains, agar hum isko, because this is semi high speed train, and if we compare it with high speed trains means if it is new line, then it is more than 250 kmph. If it is on existing line, it is more than 200 kmph. The wheel profile, because this train set, it has to run on the existing track, so wheel profile is kept same. So wheel profile ka jo hamara conicity hai, kya hai, it is roughly 1:20. Agar ye high speed hota, if it would have for high speed trains, the wheel profile or wheel conicity is reduced to 1:40. Why? To reduce lateral acceleration and thus to reduce lateral force. तो ये lateral acceleration और lateral force को reduce करने के लिए high speed trains में व्हील का जो प्रोफाइल है, इट इज कोनिसिटी को रिड्यूस किया जाता है फ्रॉम
1:20 of existing to 1:40. But however, if we reduce the conicity, we are compromising on curve negotiability. Because with higher conicity, it is possible to negotiate sharp curve. But with lower conicity, it is not possible to traverse a sharp curve or sharper curve. So, जो आपका कर्व नेगोशिएबिलिटी है वो हाई स्पीड ट्रेन का पुअर होता है एंड फॉर दिस मिनिमम से 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का रेडियस ऑफ कर्व इज परमिटेड वेयर एज हमारा तो 175 तक चलता है 10 डिग्री कर्व तक हम बोलते हैं हमारा रोलिंग स्टॉक फिट है. एक्सल्स इन दिस सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट दैट इज 160 kmph एक्सल्स आर सॉलिड but in high speed trains axles are hollow axle. Hollow axle means for reducing the weight and to increase the moment of inertia, thus to reduce the shear stress. Emergency braking distance similarly agar high speed train ka hoga to emergency braking distance would be more because the deceleration cannot be more than 1 meter per second square. या फिर उससे अगर ज्यादा जा सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1.2, 1.3, 1.4 उसके ज्यादा जा ही नहीं सकते deceleration. उससे ज्यादा deceleration हो ही नहीं सकता because that will एक तो passenger का comfort का आएगा and measures to reduce air resistance. Semi high speed train mein aapko air resistance play a major role. So steps has been taken to reduce air resistance by providing FRP cone, flush door, sealed gangways laga karke. Agar ye high speed hota to kya hota? Wahan par air resistance is even more high, even higher. यहां पर आपको एक बिकॉज एयर रेजिस्टेंस रेज इज रेजिंग एक्सपोनेंशियली बिकॉज इट इज सी वी स्क्वायर सो इट इज पैराबोला कर्व सो इट इज राइजिंग एक्सपोनेंशियली और पिछले सेशन में ऑलरेडी आपको बताया गया होगा कि 50% ऑफ एयर रेजिस्टेंस कम्स फ्रॉम व्हील एंड बोगी कंपोनेंट्स सो इन ऑल हाई स्पीड ट्रेन्स the wheel and bogie components are covered. So, agar ye high speed train hota to jo bogie aur wheel ke component hai wo sabko cover karne ki avashyakta hoti because it is semi high speed isliye isme wheel and bogie component ko cover nahi kiya gaya. Now we move to our last item that is proposed infrastructure for maintenance. However, infrastructure par ऑलरेडी कल या परसों सेशन लेंगे पीडी कैमटेक श्री जितन सिंह साहब तो ये मेरा अपना विचार है तो मेरा अपना जो विचार है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एक बार हमें मौका मिला था दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सरिता विहार डिपो को विजिट करने का तो वहां पर हम लोगों ने जो देखा और वहां से किन किन चीजों को हम लोग कॉपी कर सकते हैं उसको हम लोग उसको यहाँ पर हम प्रेजेंट कर रहे हैं लाइक ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट दिस इज वेरी नेसेसरी एंड एक्चुअली दीज टाइप ऑफ ट्रेन्स आर मीन्ड फॉर ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट बिकॉज देयर डोर्स एंड एवरीथिंग्स आर टोटली फ्लश्ड जस्ट लाइक मेट्रो ट्रेन व्हील डायग्नोस्टिक सिस्टम दिस इज नॉट इन डीएमआरसी बट दिस इज रिक्वायर्ड इफ वी वॉन्ट टू रिड्यूस द मेंटेनेंस टाइम pit line, sick line, test room, wheel length, shunting neck, stabling line, pit line, full length, covered set. इसका पिक्चर आगे वाले स्लाइड में हम लोग देखेंगे. Pillar type pit line design, no catwalk, lifting platform, two tier, gangway at top to inspect overhead equipment. तो जैसे ये DMRC का आपको ये मेट्रो कोच है, ये आपको इसके ऊपर प्लेस किया हुआ है. तो ये आपका pillar type का है. इट इज ऑफकोर्स लाइटर स्ट्रक्चर अगर लाइटर स्ट्रक्चर होगा तो खर्चा कम लगेगा
ऐसे भी जो इसका आपको टेयर एक्सल लोड है दिस इज अबाउट 14.4 टन ओनली। हाउएवर मेट्रो के बारे में मुझे पता नहीं है, बट जो आपका एग्जिस्टिंग ट्रेन सेट है इसका जो टेयर वेट है एक्सल का पर एक्सल इट इज अबाउट, क्योंकि पूरे मोटर कोच का जो आपको वेट है विच इज द हेवीएस्ट वन इट इज 57.6 टन, दैट इज इक्विवेलेंट टू 14.4 टन। तो सो इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ लाइटर स्ट्रक्चर, लाइटर स्ट्रक्चर होगा तो खर्चा कम होगा। इसमें ऊपर में आपको एक गैंगवे होगा जहां से कि इसके ओवरहेड इक्विपमेंट को इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को चेक किया जा सके। ट्विन डेप्थ पिट है, ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट इसके बाहर होगा कि सो दैट कि जो पिट में जो भी ट्रेन प्लेस होगी दैट शुड बी क्लीन वन। ये आपका व्हील डायग्नोस्टिक सिस्टम है। ऑफ कोर्स अभी इंडिया में अभी तक इसको डिप्लॉय नहीं किया गया है, बट इफ वी वांट टू रिड्यूस द मेंटेनेंस टाइम वी मस्ट गो फॉर दिस। सिक लाइन या कोच केयर सेंटर आप इसे जो कहें, इसको कई बार सिक लाइन के नाम पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होता है। इसके बारे में थोड़ा सा अलग अलग विचार है। एक विचार ये भी किसी का था कि सिक लाइन या इस तरह की चीज हमारे यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए, ये इसकी मेंटेनेंस जब भी होगी वो शॉप में ही होगी। बट एक चीज बस आगाह करना चाहते हैं कि पहले जब एलएसबी कोच आया था तो उसमें भी ऐसा ही था कि SS1 जब भी होगा शॉप में ही होगा। बाद में किसी ने बाद में एक मैंडेट निकाल दिया गया कि नहीं नहीं अब आज के बाद जो है वो डिपो में ही होगा, जैसे हम लोग iOS जैसे हम लोग ट्रॉली चेंज करते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आई एम प्रपोजिंग दिस सिक लाइन, दिस मस्ट बी 4 कोच लेंथ कवर्ड शेड प्लस सम मार्जिन and there must be underfloor lifting plant with turntable and capable of lifting 4 coaches at a time. 4 coaches kyun at a time? Because agar iska hum IOH kare kabhi future mein aur aisa mandate aata hai ki IOH or SS1 has to be done in the depot only, to us samay kya karenge? Because it is a nightmare to detach and attach this type of coach, because from ek side se आपको 9 नंबर ऑफ केबल्स 2 होसेस एंड गैंगवे इसको हटाना पड़ता है एंड इट टेक्स एटलीस्ट 3 आवर्स एक साइड से। अगर दोनों साइड से करेंगे तो एक एक कोच को अगर डिटैच करके प्लेस करके और उसको अगर करना पड़ा सेंट ये ट्रॉली चेंज तो इट इज सिंपली नाइटमेयर, बहुत बड़ा झगड़ा। तो इसलिए ऐसा होना चाहिए कम से कम कुछ तो बचेगा। और दूसरा बात है 4 कोच करने का मतलब क्या है, इट इज बेसिक यूनिट वाइज लाइक एंड बेसिक यूनिट ड्राइविंग ट्रेलर कार से मूव कर सकते हैं, जो मिडिल बेसिक यूनिट है विद माइनर मॉडिफिकेशन NDTC कैन डू शंटिंग ऑल्सो, सो देर विल बी ग्रेट रिडक्शन इन अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट टाइम। और ये DMRC का है जिसमें कि ये आप देख रहे हैं कि एक साथ कि इन्होंने एक साथ 1, 2, 3 कोचेस को एट ए टाइम इन्होंने लिफ्ट कर लिया, 3 कोचेज आर लिफ्टेड एट ए टाइम। ये जितने भी आपको दीज आर द रेक्टेंगल एवरीथिंग इज जैक्स, दिस इज ओब्लॉन्ग पोर्शन, दिस इज ऑल्सो जैक, सो द होल रेक विथ ट्रॉली विदाउट ट्रॉली एवरीथिंग कैन बी लिफ्टेड एट ए टाइम। So this is by underfloor lifting plant. So at last, now I want to summarize overview of what we have in this session. Overview of train sets, various systems, how it is different from other distributed power rolling stock systems, and finally the proposed infrastructure for maintenance. Our reference, Chemtech publication, the introductory handbook of train 18. This was published in the November 2018. A study material or PPT, whatever we have received from ICF. RDSO specification, RDSO PE spec, which is mentioned in the this PIB, Government of India, Ministry of Railway, 22nd of December 2019. So this was, now I come to the end of this session. If you have any question, you are welcome.
सर नमस्कार सर। हाँ बताएं। हाँ सर मैं सतीश प्रसाद बोल रहा हूँ सर, वेस्टर्न जो है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, कैसे हैं सर? सर मैं बिल्कुल ठीक है, आप बताएं कैसे हैं। सर सर बढ़िया सर। वैसे सर मैं सेफ्टी में हूँ सर, बट मैं थोड़ा अनऑफिशियली मैं वो कर रहा हूँ सर, इसमें क्लास कर रहा हूँ अरे ऑफिशियली ऑफिशियली कुछ नहीं कर सकते। सर तो हाँ सर तो वो सर ये थोड़ा सा कैन यू गो टू सर दैट वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो लेता है ना सर, फ्रॉम ओएचयू टू मोटर ट्रांसमिशन साइड सर। हाँ सर, कैन यू रिपीट दैट सर? दैट बिल्कुल, इसको भी हमारे प्रोफेसर हैं श्री जेपी सिंह जी, वो इसको डिटेल में कवर करेंगे, बट ठीक है जहां तक मुझे आता है मैं अच्छा बता सर दूंगा। सॉरी सर, ये आप इसी की बात कर रहे हैं? प्रोपल्शन प्रोपल्शन सिस्टम यस सर। तो ये डिटेल हाँ में होगा सर ये, डिस्कस क्या? अरे बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में एकदम डिस्कस होगा उसको, आपको एक एक चीज बताएंगे, कितने इसमें कॉइल होते हैं, क्या होते हैं, सब बताएंगे वो जेपी सिंह जी। सर 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 इसमें बहरहाल इसमें मैं इसमें ये बता देता हूँ कि इसमें आप, ये आपका ओवर ट्रैक्शन लाइन है, पेंटोग्राफ ठीक है सर से पावर लिया सर फॉलोड बाय सर्किट ब्रेकर। सर इसके बाद यहाँ पर आपको एक दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पर एक आपको एक और सॉलिड लाइन है, दैट इज कॉल्ड एचटी लाइन। और ये ओके एचटी लाइन आपका रन करता है फ्रॉम थर्ड कोच टू 14th कोच, दैट इज द फर्स्ट ट्रेलर कोच टू लास्ट ट्रेलर कोच, समझ में आ रही है ना? सर द थर्ड कोच टू 14th कोच के बीच रूफ के ऊपर एक लाइन आपको रन करती है, एंड उसके बाद एक और सर्किट ब्रेकर है, उसके सर बाद वो आपको फीड करता है इस ट्रैक्शन मोटर ट्रांसफार्मर को। पेंटोग्राफ कहां पर है? आपके ट्रेलर कार में है। सर ट्रांसफार्मर सर आपका कहां पर है? आपके ट्रेलर कार में है, अंडर स्लंग है, अबाउट 5 टन्स। सर इसके ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में देर आर 6 नंबर्स ऑफ क्वाइल्स, 4 क्वाइल्स गोज टू लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर, जो ये बॉक्स आप देख रहे हैं जिसमें एसी डीसी कन्वर्टर, डीसी लिंक और कैपेसिटर बैंक, और उसके बाद आपका डीसी एसी मोटर कन्वर्टर है। ये कंबाइंड स्ट्रक्चर, ये कंबाइंड जो असेंबली है, ये आपको लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर, और इसकी फिजिकल लोकेशन है आपके मोटर कोच में, एंड दिस इज वन पर बोगी। तो जो ट्रांसफार्मर के 4 सेकेंडरी कॉइल, बिकॉज वन ट्रांसफार्मर फीड्स टू 2 नंबर ऑफ मोटर कोच, दस 4 नंबर ऑफ बोगी, दस 4 नंबर ऑफ लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर। तो इसके जो क्वाइल है वो एक एक करके सबको फीड करते हैं, और जो 2 नंबर ऑफ क्वाइल जो बच गए ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड के, दे फीड्स टू ऑक्सिलरी कन्वर्टर। और जो आपका ये लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर है, विच इज वन पर बोगी, ये अब फीड करता है 2 नंबर ऑफ 3 फेज ट्रैक्शन मोटर। सर तो तो फाइनली क्या है फिजिकल सर, लोकेशन, फाइनली एसी मोटर हो गया हाँ सर, और हाँ ये ट्रांसफार्मर है सर, स्टेप डाउन करता है सर, स्टेप डाउन करके फिर डीसी, फिर ऑक्सिलरी। सर ये कितना है सर, 715 से 400 तो क्या है सर इसमें? 415 पे है ना सर ये एसी, अंदर नहीं, की तरफ फोर सपोर्ट हंड्रेड करता फिफ्टीन तो ये वाला है आपका, ये जो आपका डीसी वाला है, जो डीसी डीसी कन्वर्टर है, है। हाँ डीसी सर कन्वर्टर जो कि आपके ट्रेलर कोच में है, हाँ सर ये आपको 415 वोल्ट एसी प्रोवाइड करता है फॉर रनिंग ऑफ ड्राइव्स। ड्राइव्स मीन्स एसी का ड्राइव होगा अल्टरनेटिव, ये आपको एसी इक्विपमेंट का ड्राइव्स होगा, कंप्रेसर का ड्राइव होगा, उसको फीड करने के लिए है। हीट एक्सचेंजर मोटर है, ब्लोअर का मोटर है, उसको फीड करेगा। और जो आपका ऑक्सिलरी कन्वर्टर का, जो आपको डीसी साइड है, एसी डीसी रेक्टिफायर, यह आपको प्रोवाइड करेगा डीसी आउटपुट, जो कि बैटरी बैटरी चार्जर उसको फीड करेगा। और जो ट्रैक्शन वाला कंपोनेंट है वो सारा का सारा आपके मोटर कोच में है। तो जो ट्रांसफार्मर के 6 सेकेंडरी कॉइल्स थे, 4 सेकेंडरी कॉइल्स आप चले गए इन 4 डिफरेंट लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर में, जो कि इंडीड 4 into 2, दैट इज 8 नंबर ऑफ ट्रैक्शन मोटर को ड्राइव किया। और जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर था उसने एसी पावर, ये एसी ड्राइव्स के लिए पावर दिया। इसका वोल्टेज के बारे में अगर कहेंगे तो ये आपको ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर आपको स्टेप डाउन किया,
उसके बाद डीसी किया, डीसी को जैकअप किया कांस्टेंट 1800 वोल्ट पर, 1800 वोल्ट डीसी। अब ये 1800 वोल्ट डीसी से अब ये एसी में कन्वर्ट करके ये इंडक्शन मोटर जो है उसको सप्लाई दी जा रही है। थैंक यू सर, आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, बाकी ये जेपीसी नहीं, नहीं, क्लियर करेंगे सर। सर बहुत हो गया सर इसमें। चलिए धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन अगर मैं उसका जवाब दे सकूं। सर गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर, आई एम सौमिंदर फ्रॉम कोचिन निगोपुरी। सर मैं एमएनपी देख रहा हूँ सर। हाँ जैसे यहाँ पे कुछ एमएनपी रिक्वायरमेंट्स थी सर टेबल्स में, जैसे ऑटोमेटिक कोच वॉचिंग प्लांट एंड अदर थिंग्स लाइक टर्न टेबल और लिफ्टिंग टेबल्स। सर ये सब अपग्रेडेशन डिपो लेवल में सर ये टर्न की बेसिस पे होगी सर, या फिर हमें यहाँ पे खुद से प्लानिंग में इनिशियली पहले हम लोग को प्रोक्योरमेंट के लिए देना पड़ेगा सर? देखिए अभी ऐसा है कि कैमटेक का मतलब के पीईडी साहब जो है वो इसको एक सेशन लेंगे, तो मुझे लगता है वो इसको डिटेल में कवर करेंगे। जी 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 सर। और अब बात ये होती है कि इसके लिए एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बनाया जाए या फिर एग्जिस्टिंग वाला है उसी में बनाया जाए। कायदे से तो एग्जिस्टिंग वाले में बनाने में काफी प्रॉब्लम है सर, इसको प्रोजेक्ट बनाया जाता है। हाँ क्योंकि अभी तक ये डिसीजन नहीं हो पाया है कि इसको कहाँ पर बेस करेंगे, क्योंकि तो देखिए अब कहने को तो ये है कि भाई 400 वंदे भारत ट्रेन आ जाएंगी, लेकिन 400 से आप किस 400 को रिप्लेस कर रहे हैं ये भी तो जानना जरूरी है। अगर आप सिर्फ शताब्दी को रिप्लेस करते हैं तो इतनी शताब्दी ट्रेन तो चलती नहीं है, तो बाद में हो सकता है फ्यूचर में वो जो राजधानी टाइप्स की ट्रेन है हो सकता है उसको बाद में रिप्लेस करें। तो विजन इज नॉट वेरी क्लियर एट दिस मोमेंट, तो इसलिए बहुत ज्यादा अभी ठीक है। आफ्टर ऑल हायर जो भी हमारे हायर अथॉरिटी है उनको तो सोचना ही पड़ेगा इसके बारे में कि ये कहाँ पर इसको बेस करेंगे, क्योंकि मतलब अनलाइक बाकी ट्रेन की तरह अगर हर जगह इसका एक डिपो बनाया जाएगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। हर जगह इतनी सारी चीजें बनाया नहीं जा सकता, तो इसके लिए ज्यादा अच्छा ये होगा कि जो बड़े जगह है वहां पर इसको इसका बेस बनाया जाए। जैसे ऑफ कोर्स आपका पूरी अच्छा खासा बड़ा कोचिंग डिपो है, उस तरीके की चीजें वहां पर बनाई जाए, जो दिल्ली हुआ मतलब बड़े बड़े जगह जो है वहां पर बनाया जाए और वो कैटर करे दूर तक की सर्विस को। अनलाइक की मतलब हर छोटे जगह पर वंदे भारत को पुश किया जाने लगेगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। राइट सर, थैंक यू सर। तो हमको लगता है इसमें पीडी साहब जो है वो कल बताएंगे आपको, कल या परसों उनका सेशन होगा तो वो शायद आपको डिटेल में बताएंगे इसके बारे में कि क्या क्या इवेंट भी इसमें होने चाहिए। बट मुझे लग रहा है 30 मील टाइप का काम जो है सो दैट विल लीड टू नोवेयर। अब सिर्फ एक एंटिसिपेशन पर कि हमारे यहाँ वंदे भारत आएगी और हम उसके लिए अब आने के लिए तो कहीं पर भी आ सकती है, ये तो फर्दर है। अब नेताजी जो कहेंगे उस पर चलेंगे हम लोग, सारा जस्टिफिकेशन भी उसी पर आ जाएगा। जी जी सर, थैंक यू सर। ओके वेलकम सर। गुड आफ्टरनून सर, एम आई ऑडिबल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। माय नेम इज सोनम वर्मा। हाँ बताएं। ये डिस्कस करेंगे सर, ये आईआरएसएमई प्रोबेशनर अंडर ट्रेनिंग सर, एक्चुअली मेरी पोस्टिंग आरसीएफ में भी हो गई है अभी रिमी आना है सर। तो ये जैसा आपने बताया कि हाई स्पीड ट्रेन के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस है वो बोगी एंड व्हील का होता है, हाँ। तो मतलब इसको कितने कितने परसेंट अकाउंट में ले सकते हैं, रफली आइडिया सर, मतलब टोटल रेजिस्टेंस का ये व्हील एंड बोगी का कितने परसेंट? आपका मोर देन 50% इज व्हील एंड बोगी। मोर देन 50% आपका व्हील एंड बोगी से आपका रेजिस्टेंस आपका आता है, इसलिए जितने भी हाई स्पीड ट्रेन होती हैं सबके व्हील्स एंड बोगी सब आप देखेंगे बिल्कुल कवर्ड होता है, बिल्कुल नीचे का सिर्फ चक्के का वो थोड़ा सा आर्क जो है बस वो आपको दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। जी सर, थैंक यू सर।
हाँ बताएं सर, मैं आदित्य से बोलिए। जी बोल रहा हूँ सर। जी सर, हाँ बोलिए। जी सर, मुझे ये पूछना था सर, ट्रेन 18 सर एट अ स्ट्रेच कितना किलोमीटर सर रन करती है सर, बिफोर D1 शेड्यूल या जो भी सर इसका शेड्यूल शेड्यूल हुआ। इसके लिए आपको कौस्तुभ मणि पांडे सीएमई आईटी हैं, उन्होंने एक सेशन लिया था, उस सेशन को मैंने भी अटेंड किया था। तो इनिशियली आरडीएसओ ने उसमें कुछ सजेस्ट किया, शायद 5,000 किलोमीटर है, परहैप्स 5,000 किलोमीटर है, बट आई एम नॉट श्योर। मेरे 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 वर्ड को आप मतलब ऐसे आप मत लीजिए, मतलब हम श्योर नहीं है, शायद 5,000 है ट्रिप शुरू के लिए। थैंक यू सर। और चूंकि अभी इसके सारे शेड्यूल्स वगैरह अभी स्टैंडर्डाइज अभी हुए नहीं, अभी इंडियन रेलवे अभी भी उससे एक्सपीरियंस अभी गेन कर रही है, तो मुझे लगता है कि हम आने वाले दिनों में जब ये स्टेबलाइज हो जाता है तभी जो है, हालांकि अभी तक एक आईओएस तो उन्होंने कर दिया, एक एसएस वन तो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है पूरे डेट का, जो 18 महीने वाला शेड्यूल होता है वो ऑलरेडी हो चुका है, 4-5 वर्कशॉप में उन्होंने करवाया है। तो हमको लगता है अभी वो स्टेब्लिश, मतलब अभी बेसिकली वो स्टेब्लिश ही हो रहा है कि क्या शेड्यूल इसका होगा या। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। चलिए, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके। सो थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग एंड एक्टिव सर पार्टिसिपेशन, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू सर।
हो गया। मेरी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा ये अनम्यूट करना होता है एक्चुअली यहाँ से। अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को, स्टिल यू आर म्यूटेड।
हाँ जी कंप्यूटर टेप पर हो वीडियो इधर कर नहीं 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 किसी का साउंड बोलो शांत है सुनिए वीडियो हेलो लगे थे ना वो हाँ बेस मेट्री तरफ से ना कम हाँ ये तो था वीडियो पे साथ में वीडियो को ले वीडियो है वो वीडियो बंद करो ना लेकिन हम कल চার্জটা সারি হয়নি उसको ये भी करने का तो बड़ी बात नहीं है पूरा ना छोड़ पूरा ना पुराना भी करने का था मैं बोला राजेश मैं ज्यादा ज्यादा उसको सर को भी बोला जितने कूपन इशू है उतने को बिल में दे देता सर कल को इंग्लिश किया तो कौन जाएगा ना भी छोड़ दो अभी जाने दो ठीक है यहाँ पे नांदेड़ में वैसे कितना कितना हो गया अरे आप
मीटिंग ना उड़ चल जाए कौन बंद है ना सिंगल टाइम पर हैं हाँ हेलो आज ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है आ रही आ रहा है अभी कितना बजे हेलो कौन टाइम हम स्पीकिंग कैसे हो ऐसे कौन से जी देखिले मुझे किसी को नहीं ये ऑफिस में ही हूँ बताइए बात करने से ऑटोमेटिक खोल लेगा आपका हेलो हेलो हाँ पता है हेलो मेरी आवाज आ रही थी क्या आपकी अभी बोलो दोबारा हाँ नहीं आ रही आपकी आवाज ठीक ठीक करा लो कोई बात नहीं इसको स्पीकर है ना जो आपका उसको जरा नीचे लीड वगैरह चेक कराओ हेलो बोलो क्या थी
आपकी वीडियो दिख रही है मुझे। कुछ आपकी माइक ओके कनेक्टेड है, रेड का मतलब नॉट कनेक्टेड होता है ना, आप कनेक्टेड हो बट फिर भी नहीं आ रहा, इसका मतलब आपका लीड सही नहीं लगा हुआ है। हेलो, हाँ जैसे कईयों ने जैसे म्यूट किया हुआ है ना। हाँ? नहीं नहीं आया। ये तो जब आप बोलोगे ना आपको भी सुनाई देगा। नहीं नहीं है, अभी भी नहीं आ रहा हुआ। हाँ मेरी आ रही है ना आवाज आपको? हाँ बस वही आपकी नहीं आ रही।
सर क्या डिस्कनेक्ट कर दें? सर आवाज नहीं आ रही आपकी।